मध्य प्रदेश के बालाघाट की बात करेंगे, जहां पर भारतीय किसान संघ ने जिला अध्यक्ष हरी चावले की उपस्थिति में भगवान बलराम की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने किसानों की फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान भारतीय किसान संघ का कहना है कि सरकार हर चीज का रेट बढ़ाकर व्यापारियों को फायदा पहुंचाती है और किसानों की तरफ से सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वहीं फसलों का समर्थन मूल्य प्रति वर्ष 50 से 60 रुपये बढ़ाया जाता है, जिसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। किसान संघ के जिला अध्यक्ष का कहना है कि अगर किसानों की मांगें नहीं मानी जाती है तो भारतीय किसान संघ व्यापक आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा। अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने तहसीलदार को भी ज्ञापन सौंपा है। मांगी गई है, उन पे क्या आप कहेंगे? ऑप्शन यही है, भारतीय किसान संघ जिला इकाई बालाघाट और संपूर्ण पूरे मध्य प्रदेश यानी कि पूरे भारत में किसानों की जो समस्या है, जिसमें मुख्य समस्या है धान। किसान सब अपने खेत में जब धान लगाता है तो उसको सही मायने में उसका रेट उसको नहीं मिल पाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आज भी 30-35 सौ रुपये दे दिया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के कान में जुआ नहीं रिंगा है। तो ये किसानों के साथ शोषण है, अत्याचार है। भारतीय किसान संघ इस बात को पूरे जोर से उठाना चाहती है और यही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारतवर्ष के अंदर यदि ये मांग पूरी नहीं हुई तो भारतीय किसान संघ जिला बालाघाट में उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार रहेगा।